morning, respected principal, ma'am, our senior faculty, teachers, and our dear friends. Today we are here to present you a skit on role of nutrition in management of diabetes and obesity. 10 साल की लड़की पूजा की, जो कि एक बहुत ही अमीर घर से है, उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं एवं उसके हर इच्छाओं को पूरा करते हैं। सीन फर्स्ट, सुबह का समय होता है, पूजा सुबह 9 बजे सोकर उठती है। मिसेस घोष पूजा के लिए नाश्ता लेकर आती है। बेटा पूजा, ये लो आपका नाश्ता। ये क्या ला रहे हो? मुझे खाना है, मुझे दूध नहीं पीना है, प्लीज। बेटा पी वो मन नहीं, मैं को दूध नहीं पीना है। क्या खाओगे? मैं ले आप नूडल्स बना लाओ अभी। नूडल्स? हाँ चलो ठीक है। ओके मम्मा, लव यू। बेटा इस जब वापस से फोन चलाने लगती है और मिसेस घोष उसकी बात मानते हुए बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिसेस घोष पूजा के लिए नूडल्स लाते हैं। बेटा ये लो नूडल्स खा लो। मम्मा खिला दो ना, मैं मम्मा के खेल रही, मैं आउट हो जाऊंगी, प्लीज मम्मा खिला दो। ठीक है बच्चा करो। कैसा बना है? गम्मे हमें बहुत। अरे बेटा पहले फोन रख तो पहले खा लो आराम से। मम्मा मैं आउट हो जाऊंगा, मैं देखो जीत जाऊंगा अभी। चलो आ करो। बच्चा आप नहा कर आ जाओ, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। ओके मम्मा। ठीक है जाके नहा के आओ जल्दी से। नहा कर तैयार हो जाओ और पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है okay, मैं आपके लिए खाना बनाने जा रही हूँ। ओके ओके मम्मा। मिसेस घोष किचन में खाना बना रही होती है कि पूजा माँ के पास दौड़ कर आती है और फोन में कुछ दिखाती है। मम्मा देखो मैंने क्या देखा, बच्चे की बीमारी हो गई। अभी पिज्जा मम्मा। हाँ बेटा मम्मा टेस्टी लग रहा है। लेकिन बच्चा मैंने तो खाना बना दिया। नहीं मम्मा मेरा बहुत खा लो। नहीं मम्मा मेरा बहुत मन है पिज्जा खाने। मम्मा मैं बाद में खाना खा लूंगी, पहले पिज्जा खा लूं फिर बाद में खाना खा। चलो ठीक है थैंक यू मम्मा। बेटा ये बना क्या कर रहे हो? मम्मा देखिए डांस देख। मम्मा मैं डांस देख रही हूँ, छोटे छोटे बच्चों का देखिए कितना अच्छा अच्छा डांस करते हैं। हाँ बेटा लेकिन तुम थोड़ा बाहर खेल के आ जाती। मम्मा अभी थोड़ी देर में चली जाऊंगी। बच्चा बाहर खेल के आ जाओ, सेहत के लिए अच्छा रहता है, टीवी आके देख लेना। मम्मा मैं खेल के थक जाती हूँ। मम्मा मैं कुछ ये डांस देखना है प्लीज मम्मा। चलो ठीक है बच्चा। ओके मम्मा। ठीक है ओके मम्मा। मम्मा आप मेरे लिए पॉपकॉर्न्स ले आओ प्लीज। ठीक है बेटा थैंक यू मम्मा। रात को पूजा के पिता ऑफिस से घर आते हैं। कौन? अच्छा अभी आई। अच्छा पूजा के पापा आए हैं। लेकर आए हैं। मेरा बच्चा कितना अच्छा है। क्या किया दिन में बेटा?
स्टार्ट प्यार से बच्चों को पाला जाता है और वह बिगड़ जाते हैं। ये समय बीतता है और अब पूजा बड़ी हो जाती है, परंतु उसकी लाइफस्टाइल में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह पहले से ज़्यादा खाने लगती है और काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। कुछ समय बाद मिसेस घोष स्पाइसी नूडल्स लेकर आती हैं। बेटा ये देखो आपके स्पाइसी नूडल्स ला दिए हैं। मिसेस घोष पूजा को नूडल्स खिला ही रही होती हैं कि उनकी पड़ोसन मिसेस अय्यर उनके घर आती हैं। अभी से मिसेस अय्यर पूजा की तरफ देखते हुए सोचती हैं, अयो शी ईटिंग ऑल द डे, दैट इज व्हाई फैट इज कमिंग। ये लीजिए मिसेस अय्यर आपकी चीनी। थैंक यू, वेलकम। इफ यू डोंट फील बेटर आई जस्ट से वन थिंग। जी बोलिए। योर डॉटर बिकम मोटी, नो वन विल मैरी विद हर। मिसेस में ही बात कर रही होती है कि पूजा उनकी बातें सुन लेती है। एक्सक्यूज मी आंटी, आप ना दूसरों के घर में ताका ठाकी बंद करिए, जो उठा के ना मांगने चली आती है। कभी भी सोच आप ना अपने खाने पे ध्यान दीजिए, दूसरों के घर में ना ध्यान मत दीजिए। मम्मी कैसे लोग घर को बुला लेती हो? मिसेस घोष किचन में जाकर सोचती हैं। वैसे मिसेस अय्यर ठीक ही तो कह रही थी, मुझे पूजा के खाने पर ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह पूजा चिढ़कर वापस कॉलेज को निकल जाती है। अगले दिन पूजा कॉलेज आती है। इन सब से पूजा परेशान होकर कैंटीन की ओर जाती है।
कैंटीन में पहुंचकर चेयर पर बैठ ही रही होती है कि देखना चेयर टूट ना जाए। कॉलेज से घर वापस आती है। कौन? बेटा आ गया? आजा आजा आजा। मम्मा, इतना टाइम क्यों लगता है गेट खोलने में आपको? तुम मैं काम कर रही थी ना। अरे अरे क्या हो गया बच्चा? बच्चा क्या हो गया? बेटा ध्यान से, आराम से, आराम से, आराम से, इधर आओ, इधर आओ, इधर बच्चा आराम से, क्या हो गया? बेटा उठो। पूजा बेटा क्या हो गया? अजय सुनते हो? देखो हमारी पूजा बेहोश हो गई है। क्या हो गया? मिस्टर एंड मिसेस घोष पूजा को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। स्टार्ट। नर्स पूजा की हिस्ट्री कलेक्शन के बाद उसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है। ये प्रॉब्लम मेनली इमीडिएट कब से स्टार्ट हुई है? ये प्रॉब्लम लगभग डेढ़ हफ्ता हो गया है। मॉर्निंग में इसने क्या खाया था? मॉर्निंग में नूडल्स खाए थे बस। थ्री। ओके, मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ और एक टेस्ट लिख दूंगा बाय द वे, और आप वो टेस्ट करा लीजिए, फिर उस टेस्ट का रिपोर्ट आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग और भी आगे की मेडिसिन चलेंगी। बाय द वे तब तक के लिए हम कुछ मेडिसिन लिख के दे रहे हैं। और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बॉयल वाटर पीने के लिए कहिए, चावल खाना मना करिए क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से आ जाता है, और प्रोटीन रिच डाइट लें और बाहर का खाना मत खाइए। आज ही करा लीजिए, मैं इसलिए कह दे रहा हूँ, इससे आज के आज ही करा लेंगे, कल तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, फिर इन्हें फिर से ला के दिखा लीजिएगा। तब तक के लिए इन्हें कुछ मेडिसिन हैं, ये टाइमली देते रहिएगा।
और बॉयल वाटर पिए और फैटी चीज़ें कम खाएं, प्रोटीन से डाइट लें, और मॉर्निंग में थोड़ा क्या नाम होता है टहलने के लिए बोलिए, और बाकी बाहर की चीज़ें बंद कर दीजिए। ठीक है, ले जाइए, ये जाँच करा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। अब हम आए मिस्टर एंड मिसेस घोष पूजा को लेकर हॉस्पिटल आते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बैठिए। रिपोर्ट आ गई? हां जी डॉक्टर, ये रिपोर्ट। इनको डायबिटीज नाम की एक बीमारी हुई है, ज्यादा खतरनाक नहीं है, बस इन्हें कुछ चीज़ें हैं, कुछ फूड के अकॉर्डिंग में डाइट प्लान करना होगा, जो बाहर नर्स बता देगी, डाइटिशियन के पास इन्हें ले जाएगी, डाइट चार्ट मिलेगा, उसे फॉलो करिए। वो कुछ मेडिसिन हैं जो इन्हें खिलाते रहिए, तो बाय द वे एक ग्लूकोमीटर ले लीजिए, जिससे इनका टाइम टाइम पे शुगर लेवल चेक कर देगी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें चलाइए, और क्या नाम होता है, बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी मना कर दीजिएगा। ठीक है, और एक हफ्ते बाद फिर से आपसे दिख पाऊंगा। ठीक है, मैंने 1 वीक की मेडिसिन लिख दी है, और बाय द वे अगर और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इमरजेंसी में आपके आप दिखा सकते हैं। हेलो मैम। हेलो मैम, मैम ये डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ आपको लिख के दिया है, दिखा दीजिए। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कॉमन डिजीज है, आप जाइए, पहले एक काम करिए, आप डाइटिशियन से डाइट चार्ट सुनवा बना लीजिए, मैं आपको सुनवा दूँगी। ओके, थैंक यू मैम। हेलो सर। हेलो सर, ये डॉक्टर ने कुछ लिख के दिया है और डाइट चार्ट बनाने के लिए बताया। आप 10 मिनट बाहर वेट कर लीजिए, मैं डाइट चार्ट बना के आपको बुलाता हूँ। ओके सर। स्टार नर्स जी। सर अगले दिन पूजा समय पर सोकर उठती है। ठीक है, आप करके आओ। ठीक है, हम जा रहे हैं, तैयार हो, चले।
स्टार्ट। इसी तरह पूजा जंक फूड को छोड़कर अपनी डाइट को फॉलो करती है। एक दिन पूजा के घर में पार्टी हो रही होती है। देखते हैं पूजा अपने एक शौक पर काबू कर पाती है या पूजा पूजा मैं पिज्जा हूँ तुम मुझे खाओ मैं बहुत पसंद हूँ। पिज्जा तो मेरे को बहुत पसंद है माँ कितना यम है आओ मैं तुम्हें खाऊँ। नहीं खाऊंगी आओ तुम मुझे नहीं मैं नहीं खा सकती जाओ ना तुम प्लीज। पूजा पूजा मैं बर्गर हूँ मैं तो तुम्हें बहुत पसंद हूँ। बर्गर तो मेरे को बहुत पसंद है मुझे बर्गर खाना है। खाओ मुझे भी नहीं मैं नहीं खा सकती तुम जाओ पूजा पूजा देखो मैं आइसक्रीम हूँ ठंडी ठंडी तुम मुझे खाओ मैं तुमको कितनी पसंद हूँ। आइसक्रीम तो मुझे बहुत पसंद है और अब तुम्हें खाओ खाओ फिर मुझे पूजा को देखकर आपस में बात करते हैं। पार्टी तो बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे। Yes, you are right. Party is good. क्या हुआ देखिए तो पूजा कुछ खा ही नहीं रही है आज। Yes, जी मिसेस सिंह चलिए पुटअप सब करके पूछते हैं। पूजा ने एक हेल्दी डाइट को फॉलो किया अब वह स्वस्थ जीवन जी रही है। ओबेसिटी एक सामान्य बीमारी है ये गंभीर समस्या है। आजकल के बच्चे जैसे जंक फूड बहुत खाते हैं कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं इस तरीके का असंतुलित आहार लेते हैं पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं जिनकी वजह से क्या
क्या होता है, उनको कई सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन हो सकता है, उनको थकान हो सकती है बहुत जल्दी, डायबिटीज़ हो सकती है। अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहते हैं, इसे मधुमेह आम भाषा में कहा जा सकता है। ये एक मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कई बीमारियों का समूह होता है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। डायबिटीज़ दो प्रकार का होता है, टाइप वन डायबिटीज़, टाइप टू डायबिटीज़। टाइप वन डायबिटीज़ क्या होता है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होता है। इसमें क्या होता है, ये बीमारी पेनक्रियास फेलियर की वजह से होती है, जिसमें क्या होता है इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो पाता है। इंसुलिन बहुत आवश्यक होता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखने के लिए। ये बीमारी कैसे हो सकती है, जब कभी कभी क्या हो जाता है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो पेनक्रियास के बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है हार्मोन का सिक्रीशन नहीं हो पाता है। ब्लड में कभी कभी ग्लूकोज का लेवल जब कम हो जाता है तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसको रोकने के लिए, हम लेवल पे लाने के लिए आधे ग्लास जूस पी सकते हैं आप, या फिर थोड़े शुगर के टैबलेट्स, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप ग्लूकोज के टैबलेट्स ले सकते हैं। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जैसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो आप शुगर फ्री फ्रूट्स का इंटेक कर सकते हैं। कभी कभी जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब ज़्यादा हो जाता है तो डॉक्टर इंसुलिन के इंजेक्शन भी देते हैं। जीवन का आधार संतुलित आहार। धन्यवाद।